वेलकम बैक टू आवर चैनल. द टॉपिक इज नेशनल इनकम. सो लेट्स वी डिस्कस कि नेशनल इनकम क्या है, उसको मेजर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं और उसके वेरियस एग्रीगेट. क्लियर? ओके, तो फर्स्ट वी स्टार्ट कि नेशनल इनकम क्या है. सिंपली टोटल इनकम ऑफ नेशन आर कॉल्ड नेशनल इनकम. अपने कंट्री की नेशन यहाँ पर लिखा एज वेल एज इसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं डोमेस्टिक एज वेल एज वो फॉरेन से आई. ओके, मीन्स कि टोटल इनकम हमारी कंट्री में टोटल इनकम क्या है, उसकी कुल आमदन मीन्स क्या होती है, उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम. क्लियर? तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर एग्रीगेट हैं, इसके वेरियस 8 एग्रीगेट हैं नेशनल इनकम के, जिसको मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये है हमारी नेशनल इनकम. क्लियर? तो सिंपली देखिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्टली हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं. एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट. ग्रॉस का क्या मीनिंग होता है? मीन्स टोटल. क्लियर? नेट का क्या मीनिंग है? जब हम टोटल में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेते हैं, हमारे एक मान लीजिए फिक्स कॉस्ट फिक्स एसेट है. ओके, जो हमने चीज़ परचेज की उसकी कुछ वैल्यू होती है, जब हम उसको आगे सेल करते हैं तो उसकी सेम वैल्यू नहीं रहती. क्लियर? उसमें कुछ डेप्रिसिएशन ऐड हो जाता है. जब हम ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेट. उसके बाद हमारे पास टू चीज़ें होती हैं, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल. डोमेस्टिक मीन्स अपनी कंट्री की, नेशनल मीन्स आउटसाइड पूरे नेशन की. क्लियर? प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्शन हमारी. उसके बाद है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट. मार्केट प्राइस का क्या मीन, फैक्टर कॉस्ट पहले हम देख लेते हैं. फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट मीन्स जो हमारे एक्चुअल प्रोडक्शन में जो हमने कॉस्ट बियर की, उसको हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट. अब हम बात करते हैं मार्केट प्राइस की. सो हमें सेलिंग प्राइस हम जिसको कहते हैं, जब हम हमारा सेलिंग प्राइस होता है, क्या हम जो फैक्टर कॉस्ट एक्चुअली जो प्राइस लगा चीज़ बनाने में, क्या हम उसी प्राइस में सेल कर देते हैं? नहीं, हम उसमें क्या करते हैं, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उसको हम ऐड करते हैं. तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर जो वैल्यू आती है, उसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस. अब हम बात कर लेते हैं कि एग्रीगेट कैसे बनते हैं. देखिए बहुत ही इजी वे है जी सब एग्रीगेट बनाने का, जो सिंपली फार्मूलाज होते हैं जो हम अप्लाई करके सम जो है सॉल्व किए करते हैं. क्लियर? ओके, फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पर लेना ग्रॉस, डोमेस्टिक, प्रोडक्ट तो हर एक ही है तो सब में आएगा. प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फर्स्ट टर्म सब की उठाकर ये हमारा बन गया GDP एट MP. क्लियर हुआ? ओके, सेकंड है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ये भी क्लियर? पहले वाले सेम रहे, इसको चेंज कर दिया, पहले इस पर था अब इस पर हो गया. क्लियर? ये भी क्लियर हुआ? थर्ड NDP. अब इसका सेकंड वाला NDP एट मार्केट प्राइस, NDP एट फैक्टर कॉस्ट. क्लियर? अब GNP एट मार्केट प्राइस, GNP एट फैक्टर कॉस्ट. ये भी क्लियर हुआ? अब क्या बचा? ग्रॉस भी ले लिया, डोमेस्टिक. अब NNP एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ये हमारे पास बचे और ये भी एग्रीगेट हमारे पास आ गया. तो बेसिकली क्या है, जो हमने ये पॉइंट डिस्कस किए ऊपर वाले टू पॉइंट्स और वन और ये वाले टू, इसको जब हम एक सिस्टमेटिक वे से करते हैं तो ये हमारे 8 एग्रीगेट बन जाते हैं. क्लियर? ओके, अब हम बात कर लेते हैं ये कुछ रिलेटेड एग्रीगेट हैं. फर्स्ट हमारे पास आती है डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन का क्या कैसे हम करते हैं, जैसे मैंने बोला था ग्रॉस से नेट जाने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं. अब हमने नेट से ग्रॉस जाना है तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे सिंपली. क्लियर हुआ? सेकंड, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का फॉर्मूला, अगर हमने फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम ऐड कर देते हैं, मार्केट से फैक्टर कॉस्ट तक जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे. और इसका एक अनदर फॉर्मूला है हमारे पास, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो हमारे पास आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. क्लियर हुआ?
थर्ड पॉइंट हमारे पास है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो भी अब्रॉड से इनकम आ रही है उसको हम कैसे, डोमेस्टिक इनकम मीन्स हमारी कंट्री की इनकम, नेशनल मीन्स आउटसाइड और पूरे नेशन के। डोमेस्टिक से नेशनल तक जाने के लिए हम क्या करते हैं, नेट फॉरेन इनकम को भी इंक्लूड कर लेते हैं डोमेस्टिक में, उसको हमारे पास बन जाते हैं नेशनल। नेशनल से डोमेस्टिक जाना हो तो क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। क्लियर? ओके। तो उसका अनदर फॉर्मूला भी है हमारे पास, इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड। ये फॉर्मूला है, जब हम सम करेंगे पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है यहाँ पर, जब हम सम करेंगे तब उसमें जो है इंक्लूड हो गया। क्लियर? अब हम बात कर लेंगे, तो जो डेप्रिशन हमने फर्स्ट में किया था ये वाला डेप्रिशिएशन, तो उसके अनदर नेम क्या होते हैं। सम में हमें जो है डेप्रिशन डायरेक्ट नहीं दिया होता कि ये डेप्रिशन है, उसके लिए हमारे पास ये नाम यूज़ किए जाते हैं तीन, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्लियर? अब हम एक क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बहुत ही इजी वे में यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए जीएनपी हमारे पास मार्केट प्राइस है 6000, सब्सिडी है 200, डेप्रिसिएशन है 100, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड 400, इंडिया टैक्सेस 300। हमने क्या कैलकुलेट करना है, एनडीपी। एनडीपी से हमें जीएनपी तक जाना है, सॉरी जीएनपी से हमें, जीएनपी हमें दिया गया है, हमें एनडीपी फाइंड करना है। हम सिंपली क्या देखेंगे, पहला अक्षर इसका क्या है, जी। जी मीन्स ग्रॉस, और इसका क्या है, एन। एन मीन्स नेट। ग्रॉस से नेट तक जाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने अभी ऊपर देखा, ग्रॉस से नेट तक आने के लिए, जैसे कि ग्रॉस से नेट तक आने के लिए हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। क्लियर हुआ? अब सेकंड, एम से डी तक जाने के लिए, नेशनल से डोमेस्टिक तक जाने के लिए हम क्या कर, नेशनल से डोमेस्टिक तक जाने के लिए हम क्या करते हैं, एन एफ आई ए को माइनस करते हैं, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करते हैं। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारे पास 400 है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है? थर्ड है पी, तो पी रहेगा, एम पी से एफ सी तक जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक जाना है, तो हम क्या करते हैं, नेट इंडिया टैक्सेस जो हमारा होता है उसको माइनस कर देते हैं। मार्केट प्राइस से फैक्टर तक जाना है तो उसको माइनस कर देते हैं। तो इसका एक अनदर फॉर्मूला भी था, इंडिया टैक्स माइनस सब्सिडीज। हमारे पास ना सब्सिडी गिवन थी, तो हमने अंदर फॉर्मूला लाकर यूज़ कर कर उसकी वैल्यू नहीं, तो हमारे पास आ गया एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर हुआ? ओके। तो ऐसे हम सम सॉल्व करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं मेजर करने के। हमारे पास बेसिकली थ्री मेथड्स हैं, बहुत ही ईजी वे में आपको इजिली आपको समझ आ जाएगा। वैल्यू एडेड इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो सिंपली हम बात करते हैं इनकम, जो हमारी इनकम होती है कंट्री में। ओके। फॉर फैक्टर ऑफ पेमेंट्स होते हैं रेंट लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योर, लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योर, फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इनकम की। इनकम मेथड में हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास फोर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। तो इसको जो पेमेंट की जाती है उसको हम कहते हैं पेमेंट ऑफ प्रोडक्शन, ये कहते हैं। लैंड को क्या मिलता है, रेंट। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो ये सब को हम मिलाकर जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं इनकम मेथड, सिंपली ये चीज़ें। ओके। अब हम बात कर लेते हैं इसका फॉर्मूला, इसमें हम एनडीपी एफसी कैलकुलेट करते हैं, इन सब को मिलाकर हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्टली आप प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट नहीं सम में दिया गया तो हम ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कॉल्ड टैक्स डिविडेंड, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का क्या मीनिंग होता है, जो डिविडेंड होता है शेयर होल्डर को पे करना होता है, कंपनी नहीं करती अपने पास, रिटेन रख लेती है उसको आगे इन्वेस्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स इनकम, सीओई मींस कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय, जैसे वेज सैलरी हो गया, कैश में देना, काइंड में देना और सोशल सिक्योरिटी स्कीम वगैरह, तो उसको आपको मिलाकर हम कहते हैं सीओ। इन सबको मिलाकर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट। एंड एन डी पी फैक्टर कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पर डोमेस्टिक है, हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, एन एन पी। ओके। तो हम क्या करेंगे, उससे एफ नेट फॉर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास एन एन पी हमारी नेशनल इनकम जो है आ जाएगी।
सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं एक्सपेंडिचर की, यहाँ पर हम जीडीपी एंड एमपी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, ये सब उसके एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर मेथड में सिंपली जो भी एक्सपेंडिचर हम करते हैं उसको हम उससे कैलकुलेट करते हैं हमारा नेशनल इनकम, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक, कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ग्रॉस डोमेस्टिक में हमारे पास टू चीज़ें आ जाती हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक और क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इसका ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, हमारे पास जीडीपी एट एमपी, आगे जी से एन तक जाने के लिए डेप्रेशन को माइनस किया जाता है, डी से एन तक जाने के लिए एनएफआई को प्लस किया जाता है, और एमपी से एफसी तक जाने के लिए हमारे पास ये माइनस किया जाता है एनआईटी नेट इनकम टैक्सेस। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर जो एक्सपेंडिचर मेथड से अपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास थ्री आ गया, लास्ट जो है वो क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। तो सिंपली वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, इट मींस सेल आउटपुट जो सेल माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो बनाने में एक्चुअली जो हमारा परचेज करने, रॉ मटेरियल हमने परचेज करना होता है, फर्निश्ड प्रोडक्ट का सामान बनाने के लिए हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो उसमें जो खर्चा आता है जो एक्चुअल उसमें होता है उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो उसको हम जी वी ए एम पी भी कहते हैं, इस मीन्स ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब हम बात कर लेते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलती है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और अगर सेल ना दी हो सम तो हम क्या करते हैं, पी प्राइस माइनस सॉरी प्राइस इक्वल मल्टीप्लाई क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स जिन्हें हमने सेल की, दोनों को मल्टीप्लाई करके सेल आ गई। और अनदर मेथड क्या है, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भी तो सेल ही होता है ना, क्लियर, तो दोनों को प्लस करके हमारे पास सेल आ जाता है। अब हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कैसे निकालते हैं, डोमेस्टिक परचेज प्लस इम्पोर्ट जो हमने इम्पोर्ट किया दूसरे शहर से, दूसरे देश से मंगाया, और हमने अपने कंट्रीज में जो परचेज किया डोमेस्टिक उसको हम इंक्लूड करके बोल लेते हैं इंटरमीडरी कंजम्पशन। तो जी वी एफ हमारा जी डी पी एम पी के इक्वल होता है, तो ऐसे हम इसको जो है सम को सॉल्व कर लेंगे। सो ये थे हमारे पास बहुत से सिंपल इजी वे में हमने हमने आपको बताया नेशनल इनकम क्या होता है और उसको कैलकुलेट करने के जो हमारे तरीके। ओके सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।